my first Ganpati. I heard about Tree Ganesha last year and was intrigued by the concept. What is Tree Ganesha? How do you make one? I wanted to meet the man who created the world's first Ganesha that transforms into a tree after immersion. So here I am at the Tree Ganesha workshop with Dattatri Kothur. जो हमारी एक प्रथा चलती हुई आ रही है कि जितना बड़ा गणेशा, जितना रंग बिरंगा, जितना हम उसमें पैसा खर्चा करेंगे उतनी बड़ा हमारा पंडाल होगा. लेकिन आपने अलग सोचा. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि गणपति प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है. ऐसे चीज़ों से बनते हैं जो कुदरत में नहीं घुल सकता, नहीं मिल सकता. मैंने ये सोचा था कि ऐसा कुछ हो पप्पा कि आप लेके आओ और नेचर मिक्स हो जाए, तो आप सेलिब्रेशन भी कर लेते हो, इको फ्रेंडली भी रहते हो, आप इससे आप पोल्यूशन भी कंट्रोल करते हो, पानी भी बचाते हो और ऊपर से एक पौधा भी लगता है. भगवान का बनाया हुआ कुदरत को हम नष्ट करते हैं पर उसके बारे में नहीं सोचते. कुछ नहीं सोचते. भगवान को क्या क्या चाहिए होता है वो सब ध्यान रखते हैं, बट नेचर को क्या चाहिए वो भी ध्यान रखते हैं. पर आप देते हो. अभी कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? अभी 7-8 काम करते हैं. तो आपने कितने 500 गणपति बनाए इस बार और आपको ऑर्डर्स आए 4000 के, और आपने ये कमर्शियली अब तक किया भी नहीं है. यू गिव पीपल द चांस टू मेक बेटर चॉइसेस एंड दे विल. अगर मैं गणपति पापा घर ले आऊँ तो मैं यही इन्हीं को ले आना चाहूँगी, ट्री गणेशा को. अब आप मुझे सिखाएंगे कैसे बनाते हैं? चलिए आप हमको सिखाइए. To begin with, mix red soil with organic fertilizer. Add water to form a dough-like consistency. Now take the required mold and fill the front mold with the dough, simultaneously applying uniform pressure at all points. This ensures precision in the features of the idol. Repeat the above step for the back mold as well. Now put the two molds together and fill any visible void with the mixture. Press the two molds against each other for a small amount of time. Be gentle in doing so, as excess pressure can weaken the strength of the idol. Now remove the top mold carefully and remove any excess clay visible to you. Sprinkle some water and brush for final finish. Put soil and organic filter mixture inside, add the seeds, and your eco-friendly tree Ganesha is now ready. Few things can match the joy of doing what I've done today with you. Thank you so much. Thank you, ma'am. This is not as easy as it looks. बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, लेकिन इनके पीछे जो सोच है वो सोच इतनी बुलंद है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके दिलों में इनकी सोच जाकर बसी हो. फ्रॉम मी एंड दत्तात्रेय फ्रॉम ट्री गणेशा विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इको फ्रेंडली गणपति. गणपति बप्पा मोरिया.